मौजूद हूँ रॉयल टच स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब इज़्ज़त माँ फजल खान साहब। आप देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बाद भी आप सिलाई की गुणवत्ता को खुद ही भापते हैं। सिलाई लगी हुई कपड़ों पर एक बार आप फिर से देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो जिस तरह से आज शहर राजधानी में फजल खान एक करते हुए फैशन गार्मेंट्स की दुनिया में जो नाम निकल करके सामने आया है वो अपने आप में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे वो कोई भी समाज हो कोई भी युवा वर्ग हो सब आपकी हाथ की सिलाई को पसंद करते हैं और आपसे खास करके पठानी सूट और पेंट शर्ट जिस तरह से फॉर्मल स्टिचिंग आप करते हैं वो उसको देखनी बनती है। आज राजधानी के जितने भी ऑफिस संचालित हो रहे हैं सब में फजल भाई और उनके साथियों के द्वारा सिले हुए कपड़े बखूबी पसंद किए जा रहे हैं और उसकी कटिंग भी आप खुद ही करते हैं। आइए उसी तरह से करते हैं और जानते हैं कि उनको ये हुनर किस उम्र में मिल गया था। फजल भाई लाइव ओके न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि ये हुनर आपने किस उम्र में ले लिया था तो इतनी अच्छी फाइन क्वालिटी आप कैसे दे पाते हैं भाई। ये 16 साल की उम्र से मेरे को ये काम मिल रहा है। 42 साल हुआ है मेरे को जी। 42 साल उम्र है मेरी तो काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। 42 साल आपकी उम्र है और जब 16 साल के थे तभी आप इस क्षेत्र में आपने कदम रख लिया था और इतनी अभ्यास हो चुके हैं कि आज राजधानी में लोग आपकी सिलाई को पसंद करते हैं। तो मैं कैमरामैन शादा खान से कहूँगा कि हमारे सभी साथियों को यहाँ पे दिखाएं जो उनके एक और का नाम जानना चाहूँगा जमशेद खान साहब हैं। वो भी जब एक अच्छा स्टाफ होता है तो अच्छे स्टाफ से ही एक अच्छी दुकान का निर्माण होता है। और देखिए मुंबई से करीम भाई चल करके आए हैं फजल भाई के पास और आप भी आपके द्वारा सिले हुए कपड़ों को पसंद करते हैं और इसी से आपकी मुलाकात भी हुई थी। तो मैं करीम भाई से जुड़ता हूँ, जानना चाहता हूँ कि फजल भाई का व्यक्तित्व कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं। फजल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, व्यवहार के इतने अच्छे इंसान हैं कि फजल भाई अपने भाई से बढ़कर है, बहुत इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, बहुत नेक इंसान है। मैं चाहूँगा कि फजल भाई जैसा अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे और मैं हर एक दिन दुआ करता हूँ ऐसा सबको भाई दे। सुभान अल्लाह। ये थे करीम भाई फजल भाई के दोस्त मुंबई से चलकर यहाँ आए आपसे मिलने के लिए मुलाकात की। जमशेद भाई से हमने जानना चाहा, वो भी आप इसी दुकान के कर्मचारी बच्चे साथी हैं, भाई हैं फजल भाई के छोटे। तो देखिए एक अच्छे स्टाफ से ही एक अच्छी दुकान का निर्माण होता है, विकास होता है। तो इस दुनिया में फजल भाई ने बहुत छोटी सी उम्र में कदम रख लिया था। आज राजधानी शहर के मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता इस दुकान के कपड़े पहन चुके हैं। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा राहुल भैया का, उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा नूरुल हसन बेग साहब का और केंद्रीय मंत्री योगी आदित्यनाथ का और आगत अब्दुल कयूम साहब भी इस दुकान के कपड़े पसंद करते हैं और भी कई नेता हैं जिनके मैं नाम नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन वो सब यहाँ से आते हैं और फजल भाई से उनके कपड़े दिलवाते हैं और बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। कैमरामैन शादाब खान के साथ लाइफ ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।